मैडम से हाय बोलिए दोस्तों को, और मेरे बारे में कुछ बोलिए क्योंकि इतना मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू। यूट्यूबर बने, कितने वीडियो अगर ब्लॉगर बने, लेकिन किसी ने यहाँ पर ट्रेन रुकने के बारे में बात नहीं किया है। लेकिन लोगों को कितना मुश्किल हो रहा है, ट्रेन रुकता नहीं है यहाँ पे स्टेशन पे। इतना बड़ा स्टेशन बनाया है फिर भी कोई फायदे का काम नहीं है, बड़े बड़े ट्रेन नहीं रुकते हैं, लोगों को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। कितना मुश्किल हो रहा है मैडम को, दिमापुर जाएंगे यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ बहुत टाइम रुकना पड़ेगा उनको। लेकिन मैं अकेले बोलूँगा नहीं चलेगा, सब मिलकर ऐसा बोलना पड़ेगा। आइए आइए, आप आइए, मेरे दोस्तों को हाय बोलिए, हाय बोलिए। आप कहाँ जाएंगे? दिमापुर जाएंगे। अच्छा है, तो फिर अभी कौन से ट्रेन से आप दिमापुर जाएंगे बताइए ना। बताइए, अलीपुरद्वार से जाएंगे। वो जो है वो आपकी मैडम है ना, वो आपको शायद पढ़ाते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। एक्चुअली कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सुना है बीजी एक्सप्रेस नहीं रुकता है, तो कैसे जाएंगे आप? आप जाएंगे कैसे मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला ऐसा इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीजी नहीं रुकता है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं रुकता है। कितना बड़ा स्टेशन है, लेकिन पहले रुकता था ब्रह्मपुत्र में लेक था, वो रुकता था, लेकिन अभी वो भी नहीं रुकता है। तो कितना मुश्किल हो रहा है जाते हुए, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। देखिए मैडम को बच्चों के साथ कैसे जाएंगे, दिमापुर जाएंगे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेन रुकने की आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेन रुकना चाहिए। मेरे साथ सब बोलिए, जमुना में हर ट्रेन रुकना चाहिए। ठीक है।